दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूं कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और हम उगाएं ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां बिना बहाना किए कि हमारे पास जगह नहीं है। आइए आप हमारे छत पर देखिए कि किस तरह से हमने ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई हैं और हम कुछ भी नहीं खरीदे। तो आइए चले ऑर्गेनिक की ओर हमारी छत पर। दोस्तों राम राम। बहुत ही खूबसूरत सुबह है। घर के अंदर बहुत गर्मी है लेकिन बाहर बहुत ठंडा ठंडा लग रहा, और चिड़िया इतनी सारी मतलब इसमें मुनगे में बैठी हुई हैं और चू 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 आवाज़ कर रही हैं। बहुत देर से देख रही थी, हमने कहा आपको भी दिखाया जाए। तो दोस्तों अगर ये सुख चाहिए तो आप लोग भी गार्डनिंग करें, वेजिटेबल उगाएँ या आप फूल उगाएं, कुछ भी करें बिना बहाना किए कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास जगह नहीं है। ऐसा नहीं है, सब्जियां उगाएंगे तो ढेर सारी सब्जियां मिलेंगे, फूल उगाएंगे तो वो भी आपके मन को सुकून देंगे। एक मिनट दोस्तों, हाँ तो ये टूट गई। दोस्तों कल हमने भिंडियां जो है नहीं तोड़ी थी, कल बहुत काम था तो हमने कहा कि चलो वैसे भी भिंडी को एक दिन छोड़कर तोड़ना चाहिए। तो टूट ही नहीं रही है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी भिंडियां ढेर सारी फलना शुरू हो गई हैं। दो दिन की रख देती हूँ तो सब्जी बन जाती है। एक हाथ से बहुत दिक्कत होती है दोस्तों काम करने में, पर अब क्या करोगे, हम तो बहाना नहीं कर सकते ना कि हमें ही सूट करना रहता है, हम कैसे करें, हमसे हो नहीं रहा है। मैं तो पोस्ट भी खुद ही करती हूँ दोस्तों, जैसे आप लोग तक जो वीडियो पहुँचता है खुद ही बनाती हूँ और खुद ही आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। देखिए पालक अच्छे लग रहे हैं ना, ये जो पालक एकदम बड़े बड़े हो गए थे ना उनको हमने काट दिया, अब अच्छे निकल रहे हैं, बढ़िया निकल रहे हैं। ये प्याज हम नहीं ले जा पाए, यहीं पड़ी रह गई। देखती हूँ, ये देखिए भिंडियाँ। इस तरह से हमें दोस्तों ढेर सारी भिंडियाँ मिलना शुरू हो गई, ये देखिए। तो अब आते हैं हम अपने खूबसूरत बोगनवेलिया पर। दोस्तों बहुत ही सुंदर पौधा है, बोगनवेलिया भी ज़रूर उगाएं और इनकी प्रूनिंग और पिंचिंग करते रहें। ये हर डेढ़ दो महीने में आपको फूल देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े पत्तों को तोड़ते रहें, नहीं तो ये इनसे पोषण लेते रहेंगे। ये देखिए ऐसे हटाते रहें। अब जैसे ये है दोस्तों, तो इसको मैंने शुरू में तो रहने दिया लेकिन इसको हमें प्रून भी करना पड़ेगा, और ये जो इसका तना है, तना सुंदर दिखेगा जब इनको हम ऐसे हटा देंगे, इनको नहीं रखना है। ये देखिए इसको भी हटा देना है, इन पत्तियों को भी हटा देना है, ये देखिए तो ये सुंदर दिखेगा। ये हमने पूरे ही हटा दिया। अब चाहें तो इसको रख सकते हैं, इतना तना तो हमारा सुंदर दिख ही रहा है। और इस साइड थोड़ा सा निकला है, एक छोटी सी डाल थी, इसको हटा देंगे, जड़ से हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे दोस्तों, बस इसको रहने देंगे हम। और ये देखिए यहाँ तक हमारा ये साफ हो गया। अब इसको हम ऐसे तोड़ देंगे, क्योंकि हम कैंची वैंची लेकर नहीं आए हैं तो ऐसे हम पिंच कर देंगे। ये देखिए ये तो इससे क्या होगा कि यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी ढेर सारी, तो ये अच्छा दिखेगा। मतलब जितनी ब्रांचेस उतने फूल, एक ब्रांच एक फूल, मतलब एक ही में आएगा। अब इसकी हाइट ज़्यादा है तो ये हमें थोड़ी मिलने में दिक्कत हो रही है, पर मेरी हाइट भी कम नहीं है। हाँ, और हाइट हो ना हो, है हाइट, ना हो तो भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ मैं। ये देखिए ये आज हो गई इसकी सेवा। सेवा मीन्स अब ये अच्छा निकलेगा। और देखभाल तो दोस्तों अभी किया था हमने, तो अभी इसको बहुत जल्दी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, रिपोर्टिंग की। बार बार इसको रिपोर्टिंग ना करें, साल साल भर में ही एक बार करें। तो ये देखिए
हाँ ये हैवी फीडर है दोस्तों, कारण ये कि ये फूल बहुत देता है, तो इसको बीच बीच में आप कुछ कुछ देते रहें, जो भी पोटास, चार दाना DAP, इस तरह से इसको कुछ कुछ देते रहें। कभी कभी आप सरसों की खली और अलसी की खली की थोड़ा सा गुड़ डालकर उसको देते रहें लिक्विड खाद में। और ये एक बार खिला, अब दोस्तों देखिए फिर से खिल गया, उतना अच्छा तो नहीं खिला है तो इसलिए इसको प्रून करना पड़ेगा, लेकिन ये खिल रहा है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। ये देखिए इतनी सारी हमने इसको निकाल लिया, तो दोस्तों पछताए ना, क्योंकि तभी आपका पौधा ये ऐसा सुंदर दिखेगा, नहीं तो ये झाड़ी का रूप ले लेगा। हाँ जैसा कि आप जानते हैं कि झाड़ी वाला पौधा है। तो दोस्तों एक बार फिर से सब खिलने के लिए तैयार हैं, सबको हमने प्रून कर दिया था, बस इसको शौक लग गया बेचारे को, पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी दोस्तों। जब इसीलिए कहते हैं कि बोगनवेलिया को शौक मत लगने दो, क्योंकि अगर इसको एक बार शौक लगता है ना तो इसको हफ्तों लग जाते हैं उससे बाहर आने में, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन के लिए मुरझाएगा, ये फिर हफ्तों के लिए मतलब मुरझा जाता है। इसलिए देखिए अभी महीना भर हो गया, अब इसको कितना टाइम लग जाएगा नहीं पता, हालांकि ये मरेगा नहीं लेकिन शौक लगा है, अब ये आराम से ही निकलेगा। दोस्तों कल एक सवाल आया था कि हमारी जो है तुलसी मैया सूख रही हैं, तो इसलिए इस टाइम पेन में ऐसा होता है कि ये जो मंजरी रहती है, मंजरी हम तोड़ते नहीं दोस्तों, मंजरी तोड़ते रहिए, ये बार बार निकलेंगी, बार बार आपको तोड़ना होगा तभी ये बचती हैं, नहीं तो मंजरी के साथ ही ये सूख जाती हैं। तो इसलिए इनकी मंजरी को आप कट करते रहिए या हाथों से तोड़ते रहिए, जैसा भी आपको उचित लगे इस तरह से, और इसको गमले में ही डाल दीजिए, पैरों वैरों के नीचे यहाँ वहाँ ना जाइए। ये देखिए अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, और इधर हमारा देखिए बेला खिल गया है, और इसको हमने नीचे रख दिया, बहुत धूप लग रही थी तो इसको भी नीचे रखा दोस्तों, यहाँ पर बहुत तेज़ धूप लग रही थी तो हमने कहा एक दूसरे के छाया में रहेंगे इसलिए ऐसा रख दिया। आइए चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों हम आ गए ऊपर की छत पर, ये देखिए हमारा ये लाल भाजी जो है अंकुरण हो रही है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको ये, तो 3-4 दिन पहले इसको हमने बोया था, चूँकि बहुत तेज़ धूप है दोस्तों तो थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो ये जल्दी अंकुरण हो जाती है। और दोस्तों इसको भी हटा दूँगी, गोभी जो है गर्मी को नहीं मानती, इस ठंड में ही होती है। लाल भाजी देखिए कितनी बढ़िया हो रही है, तो दोस्तों लाल भाजी ज़रूर लगाएं। ये देखिए दोस्तों आपको पता है अगर हम ऑर्गेनिक खाते हैं ना तो हम बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। देखिए सूर्योदय कितना सुंदर, ना सूर्योदय सच में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सूर्योदय से कहानी याद आ गई, कहानी नहीं हकीकत है, मैं हमेशा वॉक करती थी, कहीं और रहती थी तो एक दिन साथ में कोई और चला गया, तो उसने देखा ऐसा सूर्योदय, चिड़ियों का चहचहाना, सुबह की ठंडी हवा, तो बोला सूर्योदय ऐसा होता है, तो मतलब उसने सूर्योदय ही नहीं देखा था। ये हमारी कर्मता है दोस्तों, कितनी बढ़िया है, काटना चाहिए लेकिन नहीं काट रहे हैं, हम क्या क्या खा लें। देखिए दोस्तों लोग पूछते हैं कि क्या हम छत पर सब्जियां उगाकर इतनी फ्रूटिंग ले सकते हैं कि हमको खाने को मिले। देखिए खीरा तोड़ लेते हैं दोस्तों, एक खीरा और रखा है एक दिन का, तो अगर बच्चे खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं रायता बना दूंगी। ये दोस्तों इतनी ककड़ी सच में टूटती है कि मतलब 2-4-6 ककड़ी हमारे मेरे घर में ना हमेशा रखी रहती है। ये भिंडी तोड़ा, खीरा तोड़ा, ककड़ी तोड़ा, और ये देखिए ये कितनी बढ़िया हुई है ना, जैसे कट से आवाज आती है, देखिएगा ये तो, ये बड़ा अच्छा लगता है जब आप फ्रूटिंग कुछ मिलता है आपको, ये कुट की आवाज़ जो है ना बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों बहुत सारा फल रहा है लेकिन हम ऐसा नहीं तोड़ते, थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, देखिए, और जब ये अच्छा होता है तो मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर तोड़ते हैं। मेरे ख्याल से ये तोड़ने लायक है, और कितनी बड़ी हुई है दोस्तों देखिए, यदि यहाँ लगी हुई है और लंबी लंबी, ये वाह ये तो खूब बड़ी सी है,
शायद ये लटक रही थी इसलिए इतनी बड़ी हुई। तो इस तरह से दोस्तों हमें सैलेड के लिए भी और इसका टेस्ट मतलब अब कंपेयर नहीं कर सकती, ये तो हमारे इसमें आएगा भी नहीं, दोनों तरफ से ऐसे करना पड़ेगा। तो इतनी सारी हमको ये फ्रूटिंग मिल गई, देखा आपने, सावधानी का नतीजा। टाइम से दोस्तों टाइम से अगर सब्जियां उगाते हैं तो इसी तरह से आपको ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी। अब ये आने वाले ये लौकी में फूल आ गया, हो बता दो सबको, ये देखिए हमारे लौकी में फूल आ गया। लौकी में फूल आना यानी अब इसमें मेल फीमेल दोनों आएंगे, पहले इस ये आते हैं फिर इसके बाद वो आएगा। ये देखिए कद्दू, कद्दू को हमने तोड़ा था। दोस्तों आज हम बनाएंगे सांभर और इडली, तो सारी सब्जियां जो है हम अपने घर से ही लेंगे, हम कहीं से मार्केट से नहीं लेंगे। तो कद्दू हमारा रखा हुआ है और बाकी सब्जियां जो है हमें ज़रूरत होगी तो हम तोड़ लेंगे, और बाकी सब्जियां रखी हुई भी हैं, बैंगन वगैरह रखा हुआ है। तो दोस्तों ये पड़की बैठी है, देखिए ये बैठी है, देखिए आपको ये बैठी रहती है, मैं रातों रात में भी आती हूँ ना तब भी ये बैठी रहती है ऐसे चुपचाप। ये मतलब कि पिछली बार इसी ने बच अंडा दिया था या किसी और ने, हमको नहीं पता, तो वो भी बैठी रहती थी। क्योंकि कहते हैं ना कि हित अनहित पशु पक्षी जाने, तो इनको पता होता है कि कौन इनको नुकसान पहुंचाएगा कौन नहीं पहुंचाएगा। तो अगर इसको पता होता कि मैं इसको नुकसान पहुँचा सकती हूँ दोस्तों, ये अपराजिता है, तो कब का उड़ गई होती। तो दोस्तों कल मैंने सोचा है कि मैं बहुत सारे अडेनियम बांट रही हूँ, ठीक है दूंगी जो मेरे घर आएगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि अब मैं गमले लेती हूँ नए, और गमले लेकर कुछ अडेनियम को मैं उगा देती हूँ। देखिए ये ख़राब हो गया, मतलब बड़े होकर भी ये ख़राब हो सकते हैं, कोई गारंटी है, नहीं है कि ये गलेंगे नहीं। बड़े मीन्स इतना बड़ा हो गया, देखिए 6 महीने का होने के बाद ये इस तरह से गल रहा है। इसमें बहुत गल रहा मतलब ऐसे काट पौधे कभी कभी ख़राब होते हैं, तो अब क्या करोगे, इसका तो है ही है नाटक। ये देखिए ये भी गल गया, कोई बात नहीं, अब मैं इनको दूंगी गमले। ये देखिए जैसे इस तरह से मैंने ये इनको दिया ना, ऐसी मैं एक लाइन से मैं सोच रही हूँ कि 25-50 कम से कम 50 गमले इसी साइज के लेके आऊँगी। और बहुत सारे मेरे पास ऐसे जो हैं ये इतने बड़े बड़े हैं, इनको गमले चाहिए अलग से, ये इसको इसी में ठूसा हुआ है आप देखिए, तो इसको भी चाहिए, इसमें 2-3 ठूसे हुए हैं, इसमें भी देखिए एक लगा हुआ है, ये जो मेरे मतलब पहले से जो अडेनियम के ये है ना, ये इनके पॉट उनमें अलग से मैंने एक एक पौधे ऐसे डाल दिए थे। हाँ अभी उड़ी, खैर उड़ने का टाइम भी हो गया चरने खाने का। ये देखिए इसमें ढेर सारे हैं, तो इसमें वाइट और पिंक और इस तरह से मिक्स हैं, तो इनको मैं पॉट दूंगी। क्योंकि ये जब खाली होंगे ये ट्रे ना, तो फिर ये सब देखिए मेरे पास ये है, ये सबको फिर से उगाना पड़ेगा मुझे। ये सीड पॉट आ गया है, इसमें और भी आ रहे हैं सीड पॉट, इसमें आ जाता तो मज़ा आ जाता, ये इसका कलर ही अलग है, पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह से ऐसे जैसे देखिए छोटे छोटे में हमने उगा दिए थे ना, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, और अलग से लगाने से ना जल्दी ग्रो करते हैं। ये देखिए ये अरेबिकम है और ये ओबेसम है, ये भी ओबेसम है, तो इनको अलग से हमने, ये भी दोस्तों साल साल भर के हैं ये, लेकिन इनको हमने अलग से उगा दिया तो ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। साल से हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा के नहीं हैं। और हमारी टोपियाली वगैरह भी बहुत अच्छी लग रही है। तो दोस्तों आप भी उठो, बिस्तर छोड़ो और इस तरह से आप उगाओ। दोस्तों आप एक जेट प्लांट से हज़ारों जेट प्लांट बना सकते हैं, इसकी छोटी सी एक पिंचिंग लगा के। इसी तरह से देखिए मैं फेविकुक दोस्तों नहीं ला पाई इनको चिपकाने के लिए, अच्छा नहीं लगता सही में बार बार गिरना। तो जेट प्लांट से उगा सकते हैं, और आप जिस ये अडेनियम है ना, मेरे पास 2-4 पौधे मैं लेकर आई थी, मेरे एक भाई ने दिया था, और इसके बाद ये जितने सारे ये हैं, और कितना बांटा, सच में दोस्तों बहुत बांटा, 100 पेड़ तो हमने दे ही दिया होगा लोगों को, तो लगभग 100 पेड़ हमने लोगों को बांटा। क्योंकि किसी ने मुझे दिया था तो मुझे लगा कि आखिर मुझे भी तो किसी ने दिया, और मैं याद करती हूँ, ये देखिए सीड पॉट इसमें भी आया है। तो ये सब अभी उगाऊंगी मैं, जब ये पक जाएंगे इनमें दाने निकल जाएंगे, तो
इतने सारे जो फूल निकल रहे हैं ना, लगभग पौधे में इसमें एडेनियम में सीड पॉट आते हैं। तो दोस्तों मैं लाऊंगी गमले और ये सबको मैं छोटे छोटे गमलों में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इसका मिक्स जो है मैं तैयार करके रखी हुई हूँ, क्योंकि मैं सब्जियों का अलग मिक्स रहता है मेरा और एडेनियम का अलग रहता है। आपको भी पता है एडेनियम को बेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, हालांकि बेल ड्रेन सबको चाहिए। अब ये देखिए, ये है पोई, इतनी सारी पोई। अब दिल्ली से मांगते हैं सीड, मैं कैसे भेजूं दोस्तों? मैं तो इतना ज़्यादा व्यस्त रहती हूं और मेरे को टाइम नहीं है कि मैं जाऊं भेजूं, कैसे भेजूं पता नहीं। तो ये देखिए करेले कितने सारे खिले हुए हैं, निकले हुए हैं, मतलब अभी हमने तोड़ा था और नीचे भी ढेर सारे करेले फिर से हो गए। और ये हमारी है सदाबहार। तो दोस्तों अगर आपने अपने गार्डन में ये काम नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें। अगर आपके पॉट खाली हैं, आपके कंटेनर खाली हैं, तो सूखे पत्ते भरकर ऊपर से खाद वगैरह मिक्स करके इस तरह से अपने कंटेनरों को आप रेडी कर लें, क्योंकि बारिश के बाद आप उनको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बारिश में मिट्टी बहुत स्टिकी हो जाती है, गीली हो जाती है और बहुत बहुत गंदा होता है, पूरी छत खराब होती है। तो इसलिए अभी ये काम कर ले। ये है हमारी मिर्चियाँ जो बहुत अच्छी चल रही हैं, अब ये अच्छी लग रही हैं क्योंकि इनको दबा दिया था एक बार घास, अब इसकी घास हम हटाते रहते हैं। ये देखिए, ये पर्पल है और वो गोल है और लंबी पतली, मतलब कई तरह की मिर्चियाँ मैं उगाती हूँ। इसमें हमने बड़ा कंटेनर है, इसमें हमने उगाया हुआ है अदरक, लेकिन अदरक को निकलने में, क्योंकि अंकुरण नहीं था तो इसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब निकलता है बहुत जल्दी और बहुत खूबसूरत लगता है। ये भिंडी है जिसको बंदरों ने नुकसान पहुंचाया था, पर कोई नहीं, सब फिर से तैयार हो जाएंगी, हो गई हैं, फ्रूटिंग दे रही हैं, हमेशा तोड़ती हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये मिर्ची का पौधा है जो अपने आप उगा है और ये गोल मिर्ची का है। इसको देखकर मुझे लग रहा मैं इसको रहने दूंगी, जब थोड़ा मौसम अच्छा रहेगा तो फिर इसको मैं मिर्ची के उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी जहां मिर्ची लगी हुई। ये देखिए, ये भी मिर्ची का पौधा है। तो इस तरह से दोस्तों मैं इनको उखाड़ती और फेंकती नहीं हूँ। ये देखिए हमारा कुंदरू, एक कहीं से गांठ, मेरे यहाँ कुंदरू भी इतना ज़्यादा उखाड़ उखाड़ के फेंके हैं और खूब सारा मैंने दिया भी है लोगों को कुंदरू, क्योंकि कुंदरू का जल्दी पौधा मिलता नहीं है दोस्तों। इसका पौधा नहीं, एक बल्ब जैसी गांठ जैसी होती है, उसी को लगाया जाता है तो फिर वहीं से कुंदरू पैदा होने लगता है। तो इसमें थोड़ी सी मैंने मिट्टी डलवा दी थी, इसकी जड़ें दिख रही थी, ताकि ये ढक जाए तो ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा। तो इस तरह से पौधों की देखभाल करते रहेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी सब्जियां मिलना शुरू हो जाएंगी। ये दोस्तों गोल मिर्ची है, लेकिन अभी मौसम अच्छा नहीं है इसलिए थोड़ी छोटी हुई है, नहीं तो ये बाटी से भी बड़ी बड़ी होती हैं। और ये सब कहीं, ये लंबी है, मैं तोड़ के दिखा रहे, ये देखिए। तो इस तरह से मेरा बर्तन उधर रखा है, तो अब मेरा जेब में ही फिर मैं भरना शुरू कर देती हूँ। अब पोई तो देखिए कितनी सुंदर, लेकिन आज पोई हम नहीं तोड़ेंगे। और हमारी सेम देखिए कैसे एकदम लहलहा रही है, अभी देखिए एक बार फिर से लहलहा गई। इसको भी दोस्तों बंदरों ने बहुत नुकसान किया था, लेकिन मेरी थोड़ी सी देखभाल, उसमें मैं जो मिक्स बनाती हूँ मिट्टी और खाद का, उसके जड़ों में हमने डाल दिया। ये देखिए कितना सुंदर, और इतनी भरी गर्मी, बाप रे गर्मी। और ये हमारा फूल जो है पकने को आया, यहाँ से एक दो दाने निकालती हूँ और निकाल के चबाती हूँ, निकल जाती हूँ। देखिए चिड़िया जैसे इसको मैंने थोड़ा सा खोद खोद कर निकाल लिया है। तो सीड्स तो हमें बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने उगाई थी। तो अब मैं इसको इस बार गमला दूंगी, इस तरह का नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरा एंगेज हो जाता है, तो मैं इनको छोटे छोटे गमलों में लगाऊंगी। 10-12 इंच का गमला पर्याप्त है इसके लिए। आप जो उगाते हैं ना, ये उगाएंगे अगर ये सनफ्लावर, ये देखिए हमारा टमाटर, ये हमारा कंटेनर खाली होने वाला है। मैंने इसको कहा था कि मैं ऐसे पलट दूंगी तो एक दूसरे की छाया में दोस्तों ये रहेंगे, लेकिन हो गया, बोली लेकिन करी नहीं। तो इनमें बहुत धूप लगा, ऐसे पलट दिया था तो सीधी धूप लगी, टमाटर बहुत पके हैं दोस्तों इसमें, अब ये एक दूसरे की छाया में नहीं वो होंगे। मैंने इनको हवा लगने के लिए ऐसे खोल दिया था, हमें क्या पता कि ये झुलस जाएंगे, उतना ध्यान नहीं आया था, देखा तो झुलस रहे थे। इसमें भी एक छोटी सी मिर्ची है पर्पल कलर की, देखिए इसके पत्ते भी पर्पल है। टमाटर बहुत पके हैं दोस्तों, टमाटर हमारे पास रखे भी हैं, इसलिए हम जो है
ये देखिए आ गई पणकी, यही मडराती रहती है अपने बच्चे के लिए। एक उधर से गई, मतलब अगर आप इस तरह से इनको वातावरण देते हैं ना, तो आपका गार्डन ना चिड़िया पंछी का अड्डा हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। हमारे इसमें हम मेहनत जो करते हैं वो प्रकृति के साथ और लोग भी पलते बढ़ते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये हमारा करेला देखिए, देख रहे हैं आप, इसको हमने उगाया नहीं दोस्तों। हम क्या करते हैं कि जो पक जाते हैं, किसी भी तरह के सीड्स जो पक जाते हैं, हम इसी मिट्टी में मिला देते हैं, तो फिर ये और चीज़ों के साथ नेचुरल तरीके से जो उगते हैं वो ढेर सारी सब्जियां आपको देंगे। ये बहुत फलेगा दोस्तों, और चूंकि ये इसी में लिपटा हुआ है तो इसको बहुत तेज़ धूप भी नहीं लग रही है। ये देखिए फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। कहाँ गया रे, दिख जा, ये देखिए लाइन से दिख रहा ना, बस ये दिख गया, मतलब दो दो तीन दिन में इसको तोड़ने लायक ये हो जाएगा। इधर भी दिखा था लेकिन ये जल्दी दिखते नहीं हैं। इसमें भी टमाटर है दोस्तों, अच्छी बात है कि ये धूप में झुलसेंगे नहीं टमाटर, क्योंकि इसको करेले से छाया मिल रही है। तो करेले को छाया मिल रही है टमाटर से, और टमाटर को मिल रही है करेले से। तो इस तरह से देखिए हमने कंटेनर अपने तैयार कर करके रख लिए हैं। जैसे हमें मतलब कि हम हमारे बीज आएंगे, जो भी जिस तरह के हम उगाना चाहेंगे तो हम इनमें उगाएंगे। अभी दोस्तों बहुत ज़्यादा हम कुछ उगा नहीं सकते हैं, जो उगाएंगे हम आपको बताएंगे। टमाटर हमारे देखिए कैसे फले हुए हैं। इसको इसीलिए दोस्तों इसको हमने 10 दिन के लिए छोड़ दिया है। 10 दिन बाद मेरे 3-4 कंटेनर खाली होंगे, तब मैं ढेर सारी सब्जियां उगाऊंगी। ये मिर्ची के पौधे हैं, इनको भी हमने रखा हुआ है। जैसे थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा इन मिर्ची के पौधों को भी मैं उगाऊंगी, क्योंकि दोस्तों मिर्ची घर में बहुत लगती है। और मिर्ची ऐसा है ना कि अगर ज़्यादा भी हो गए, जैसे बैंगन अगर ज़्यादा है तो इसको आप ना सुखा सकते हैं ना स्टोर कर सकते, लेकिन अगर मिर्ची ज़्यादा हो गई तो आप उनको स्टोर कर लीजिए, आपको बाद में काम आएंगी। मैं कभी नहीं खरीदती मिर्ची, हमारे यहाँ सूखी, अब भी 2-4 रोज पहले सुखा कर उसको अच्छे से स्टोर कर दिया है, तो ऐसे रख लेती हूँ। तो दोस्तों मैं क्या करती हूँ कि मुझे सीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं अपने घर में ही सीड्स तैयार कर लेती हूँ हर चीज़ के। भिंडी, करेला, ये आपका क्या गिरा, कुछ नहीं, ये बैगन, मतलब जो भी तुरई, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ चिकनी तुरई की, ये देखिए इसके अंदर बीज हैं। और दोस्तों इसको मैंने खोल दिया है, अगर आप इसको ना खोलें तो आप इसको सालों साल रख सकते हैं, आपके सीड्स जो हैं कुछ नहीं होगा इनको। मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल के, ये देखिए ककड़ी गिर रही है, ये देखिए ये हमारी चिकनी वाली, इसको नेनुआ बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, इसको डोड़का बोलते हैं। तो दोस्तों इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इस तरह से इसमें डाल दूंगी, फिर ये अपने आप। और दोस्तों इसकी बात, मतलब जो बीज आप डालते हैं ना, वो बीज तभी उगते हैं जब इनका मौसम आता है, इनका सीजन आता है। ये कभी भी नहीं उगते हैं, जो आपने डाला हुआ है वो कभी भी नहीं उगेंगे कि मतलब आपने डाल दिया और ये उग जाएंगे। जब इनका सीजन आएगा तभी ये उगते हैं, तो अच्छी बात है ना, आपको मतलब टाइम टाइम से मिलते रहेगा सब्जियाँ, जब सीजन होगा अपने आप आ जाएंगे। देखिए ऐसे कुंदरू फले हुए हैं, ऐसे तोड़ते रहती हूँ, इकट्ठा करते रहती हूँ, घर के पीछे भी कुंदरू लगा हुआ है तो वहाँ से भी मिल जाते हैं, और फिर जब हो जाता है तो फिर बना लेते हैं। अब यहीं से हम पत्ती भी ले लेते हैं ताकि हमको पीछे न जाना पड़े। इसमें दोस्तों जड़ें दिख रही थी ये सबकी, जो हमारा ये है सेम, तो उसमें हमने ऐसे मिट्टी डाल दिया, मतलब खाद मिक्स वाली, इतना सुंदर लहलहा रही है अभी, बहुत ही अच्छी। तो थोड़ी सी ले लेते हैं दोस्तों पत्तियाँ मीठी नीम की, क्योंकि बनेगा सांभर तो सांभर में पत्तियाँ लगती हैं। ये देखिए हो गया, तो इसीलिए मैंने छत में लगाया, क्योंकि हमको नीचे अलग से जाना पड़ता था उसके लिए पत्तियाँ लेने के लिए। देखिए इसको हम तोड़ नहीं पाए तो ये जो है पक गया, कोई बात नहीं। ये जो सेम उग रही है और इसमें साथ में फूल भी आ गए दोस्तों, ये देखिए
तो ये अपने आप गिरी है इसमें, क्योंकि हमारे पास ढेर सारी सीड्स ऐसे रहती है, देखिए। तो कहीं ना कहीं दाना ऐसे, ये कंटेनर है हमारा, खाद बन रहा है इसमें, तो कहीं एक आध दाना रहा होगा। तो देखिए कैसे ये इसमें फूल भी आने शुरू हो गए। तो इस तरह से दोस्तों, सीड अगर आपके आपके आप, जो भी फ्रूटिंग है वो पक जाती है, तो उसको आप इस तरह से फेंकिए मत, बाहर मत फेंकिए, अपने कंटेनर में ही उसको फेंकिए, ताकि वो मौका आने पर वो सीड्स अपने आप उग कर आपको ढेर सारी सब्जियाँ देंगे। अब जैसे ये पोइयाँ जो हुई है ना, ये अपने आप हुई, हमने इनको उगाया नहीं है, वो भी पोई जो हुई है इतनी सुंदर अपने आप हुई है। ये भाजियां जो होती हैं, लाल भाजी, और ये इतनी टेस्टी लगती हैं, इतनी हरी हरी ताजी ताजी, ये सब अपने आप हुई है। इसमें तो हमने अदरक उगाया है। तो इस तरह से जो सब्जियां उगती हैं वो टेस्टी भी होती हैं और बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। तो इसलिए सीड्स अपने मिट्टी में मिलने दीजिए। तो दोस्तों, अगर हमारा गार्डन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कुछ सीखते हैं तब तो ज़रूर बेल आइकन का भी बटन दबा दें, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए, है कि नहीं। दोस्तों, हमने ड्रैगन फ्रूट्स भी लगाया है ना, ये देखिए, लेकिन अभी ये ऐसे नीचे दबा हुआ है, इसको सपोर्ट देकर मैं बाद में ऐसे ऊपर चढ़ा दूंगी, इसके ऊपर चढ़ा दूंगी, अभी ये नीचे दबा हुआ है। करेले देखिए हमारे कितने फल रहे, ये भी अपने से उगा है ना दोस्तों, करेला हमने इसमें नहीं उगाया था। तो इस तरह से जो पौधे उगते हैं ना, वो ढेर सारी फ्रूटिंग हमको देते। तो दोस्तों, हमने तोड़ ली ढेर सारी सब्जी, इसमें हर तरह की सब्जी मिली है, भिंडी, ककड़ी, हर सब कुछ मिला हुआ है, टमाटर, बैंगन। अब हम चलते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा काम अच्छा लगता है, हमसे कुछ सीखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे और आप भी इस तरह से सब्जियां उगाएं। कई महिलाएं जो हैं बोल रही हैं कि हम आपको देखकर बहुत मोटिवेट हुए और हम उगाना शुरू किए, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अब मिलते हैं कल। धूप हो गई थोड़ी, 7:15 बज रहे हैं, और 7:15 बजे इस तरह की धूप है दोस्तों, जो आँखों में लग रही है और शरीर में भी लग रही है। तो अब मिलते हैं कल। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को बटन भी दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।